अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाहर किचन। मैं आज बना रही हूँ मार्बल केक। इसके लिए 2 कप मैंने यहाँ पे मैदा ले रही हूँ, ये और 1 कप, 1/2 कप चीनी शुगर पाउडर, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप कंडेंस मिल्क, 1 कप तेल, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी रेड फूड कलर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 कप दूध, 1 से 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले एक केक टिन को ग्रीस करके रखेंगे। मैंने इसमें बटर पेपर लगाया हुआ है। अभी अच्छे से ग्रीस हो चुका है, इसको साइड में रख लेंगे। अब एक बाउल लेंगे, इसमें शुगर पाउडर डालेंगे, कंडेंस मिल्क, इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। ये थोड़ा विस्क हो चुका है, अब इसमें तेल डालेंगे। तेल और वेनिला एसेंस, टीस्पून डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1/2 कप दूध डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। एक छन्नी रखेंगे, सबसे पहले मैदा डालेंगे, थोड़ा सोडा और बचा हुआ 1 कप मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, 1 और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, टोटली 1.5 टीस्पून मिल्क पाउडर और बचा हुआ सोडा डालकर इसको अच्छे से छान लेंगे। इस तरीके से छानने से केक में एरेशन आती है। अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पे एगलेस केक बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें अंडा नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसके बदले में मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए बैटर थोड़ा ठीक हो रहा है, इसमें थोड़ा और दूध मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा दूध डाल रही हूँ। अब इसमें बचा हुआ दूध डालेंगे, थोड़ा सा बचा कर रख लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब एक और एक बॉल लेंगे, इसमें 1/2 बैटर निकाल देंगे।
निकाल कर इसमें रेड फूड कलर मिलाएंगे। थोड़ा सा मैंने दूध बचाया था, इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब केक टिन लेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून जितना बैटर डालेंगे, सफ़ेद वाला। इसके ऊपर वाइट वाला बैटर, फिर से रेड वाला बैटर, इस तरह से डालकर फैलाएंगे। फिर से वाइट वाला, इसके ऊपर रेड वाला, इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे पूरा बैटर ख़त्म होने तक। देखिए मैंने सारे लेयर्स ख़त्म कर लिए हैं। अब एक टूथपिक लेंगे, इसको सेंटर से इस तरीके से खींचेंगे और इस तरीके से एक टिश्यू पेपर लेंगे, इसे साफ कर लेंगे टूथपिक को। फिर इस तरीके से हम खींचेंगे लाइन, फिर साफ करेंगे, फिर इस तरीके से अब अंदर से इसको इस तरीके से खींचेंगे। देखिए अब दोबारा से इस तरीके से बाहर की तरफ खींचेंगे। देखिए टोटल मैंने 16 पेटल्स बना लिए हैं, अब ये हो चुका है। देखिए गैस पे मैंने एक कुकर हीट होने के लिए रखा हुआ है, इसके अंदर एक रिंग मोल्ड रखेंगे। मैं यहाँ पे नमक नहीं यूज़ कर रही हूँ। अब केक टिन इसके अंदर रख देंगे। कुकर बंद करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम में रखेंगे। मैं यहाँ पर विशल नहीं लगा रही हूँ। देखिए अब 5 मिनट हो चुके हैं, आंच को मैं धीमी कर दूंगी। धीमी करके इसको 35 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बेक करके निकाल लिया है, ये 35 मिनट के अंदर ही बेक हो चुका है। अब ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है, अब इसको कट कर लेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से बेक हो चुका है। फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।